तो देखो अब अपन को नेक वगैरह शेड करना है, तो नेक में देखो थोड़े थोड़े हाईलाइट कहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये कॉलर बोन वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पे थोड़ा सा, इसके नीचे जो वी शेप है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो अपना कर्व आ रहा है। तो जैसे मैं अब शेड करना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा शेडेड है और थोड़ा सा डार्क है। तो हल्की सी ज़्यादा प्रेशर के साथ मैं पेंसिल चलाऊंगा, और मैं प्रेफर करूंगा पेंसिल को ऐसे वी शेप में चलाने के लिए, मतलब डायगनल्स, ठीक है, ये भी जो वी शेप आ रहा है मैं वो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये जो शेप्स है ना इनको बहुत लाइटली करना, ऐसा नहीं कि एकदम बॉर्डर बना के सिर्फ बॉक्स में कलर फिल कर रहे हो, वो नहीं करना है, और बहुत स्मूथली करना, ठीक है, ये नहीं कि मेरी स्पीड इतनी है तो तुम्हें भी उतनी जल्दी जल्दी करना है, तुम्हारा अगर इतने में रफ आ रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें लाइटली करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आता है तो यहाँ पे आराम आराम से किया शेड, ये मुझे हाईलाइट की तरह छोड़ना है थोड़ा, तो मैं क्या करूंगा इसकी बॉर्डर बॉर्डर पे मैंने शेड किया इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा डार्क डार्क शेड हुआ और हल्का हल्का अंदर छोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ इस वाले पोर्शन में देखो ये थोड़ा ट्रोपीजियम शेप टाइप छूट रहा है, मैं क्या करूँगा शोल्डर से शेडिंग करना स्टार्ट करूँगा, फिर कर्व में ये जो अपना कॉलर बोन वाला पोर्शन जा रहा है ठीक है, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा हाईलाइट छोड़ा, बाकी का पूरा पोर्शन मैं फिल कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। सेम चीज यहाँ पे देखो पूरा पोर्शन नहीं छोड़ना है, यहाँ पे हल्का सा इतना सा ही हाईलाइट छोड़ना है, तो ये वाला पोर्शन भी मैं आराम आराम से शेड किया और ये हिस्से का हाईलाइट छोड़ दिया, बाकी का जो एरिया है वो मैं फिल कर दूंगा, देखो। तो यहाँ पे जो डार्क डार्क दिख रहा है वो अपन अगली लेयर्स में करेंगे, ठीक है, अभी के लिए क्या करना है अपन को बस हल्का हल्का यहाँ पे फिल कर देना है, जो डेप्थ है वो अपन धीरे धीरे 2B, 4B, 6B जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतनी लेयर से देते जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ पे भी हाईलाइट है ये पूरा पोर्शन, ठीक है, शोल्डर्स वाला, तो यहाँ पे शेड करना स्टार्ट करेंगे अपन, तो इसके अराउंड ठीक है, यहां से थोड़ा लेफ्ट टू राइट लाए और लाइट कर दिया, यहां से राइट टू लेफ्ट ले गए और ये लाइट कर दिया, ठीक है, थोड़ा एक राउंडेड शेप बनाना है ऊपर और ये छोड़ दिया इतना, ये ब्लेंडिंग के बाद और बेटर लगेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आते तो यहाँ पे इतने एरिया में हाईलाइट छोड़ना है, हल्का हल्का यहाँ पे शेड किया और थोड़ा इसके नीचे छोड़ना है, तो बाकी का नीचे वाले पोर्शन में शेड किया, थोड़ा आगे आगे शेड किया, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने कुछ सर्टेन जगह पे जैसे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हाइलाइट्स छोड़े हैं, तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है। तो अभी अपना फर्स्ट लेयर दिख रही है, फर्स्ट लेयर के बाद अभी अपन इतना कर लो फिर ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो देखो ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं, फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, कोई घिसना उल्टे सीधे डायरेक्शन नहीं करना, ब्रश लो सिंपल से और धीरे धीरे ऐसे ओवल शेप चला रहा हूँ। अब एक ही जगह घिसते रहोगे तो ऑब्वियसली स्मजेस आएंगे, तो धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, एक पर्टिकुलर पेस बना लो कि हाँ भाई 5-10 बार घुमाऊंगा मैं, फिर थोड़ा सा राइट, फिर घुमाया एक ही जगह पे, फिर राइट। अब देखो हाईलाइट है जैसे, ऐसा तो है नहीं मैं भर दूंगा, तो इसकी बॉर्डर है, इसके सराउंडिंग में मैं ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे सर्कल्स के साथ चलाऊंगा,
उससे क्या होगा, ये एकदम ब्लेंड भी हो जाएगा अच्छे तरीके से, स्मजेस भी नहीं आएंगे और क्या रहता, हाईलाइट फिल भी नहीं होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट लेयर रहेगा, थोड़े से स्मजेस आ जाते हैं, मान लो लेट से ये एरिया डार्क है, ये एरिया लाइट लग रहा है, तो मैं अगली लेयर में क्या करूंगा, यहाँ पे टू बी भरूंगा और यहाँ पे कुछ ना भी करूँ तो भी ये डार्क है, तो मैं टू बी के बराबर डार्क हो गया ये ऑब्वियस पहले से ही, मैं यहाँ पे टू बी फिल कर दूंगा, यहाँ कुछ नहीं करूंगा। तो जब ब्लेंड करूंगा तो टू बी तो हो गया ब्लेंड, हल्का हल्का ग्रेफाइट आएगा, ये भी उसे उसी लेवल पे कर देगा। अभी मैंने वर्टिकल चलाते हुए करे, अब मैं क्या है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन करूंगा ताकि जो बचे हुए बीच में एरियाज हैं वो अच्छी तरीके से फिल हो जाए। तो मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से कर रहा हूँ, ये आईब्राउज के बीच में भी मैंने किया, नोज में ऐसे थोड़े कर्व करते हुए करूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई मेरी। पहले काम करो फॉर बिगनिंग, इतना करके देख लो एक बार ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसे करना है। ओके, ईयर्स वाले पोर्शन में ब्रश चलाओ। देखो ब्रश ऐसा नहीं कि दो चार बार चलाया आगे बढ़ते, नहीं, उस जगह पर्टिकुलरली करते रहो, थोड़ा हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शन में कर लो, सर्कुलर चलाओ लेकिन स्मूथ करो, ऐसे रफ सा नहीं छोड़। सेम चीज यहाँ राइट साइड वाले ईयर में करें। ठीक है, और अगर लग रहा हो कि ब्रश जितना ज्यादा डार्क करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है, तो एक पेपर लो, उसमें ब्रश ऐसे घिस दो, जैसे मैं करूं, अगर मेरे पे इतना ग्रेफाइट लगा हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा ही है, ब्रश को भी कंटिन्यूअसली साफ करते रहा करो वरना अच्छा नहीं। ठीक है, आईज वाला पोर्शन आता है, तो आईज वाला पोर्शन मैं कैसे प्रेफर करता हूँ, मैं इस तरीके से कर्व करना स्टार्ट करता हूँ, इससे क्या होता है जो नोज वाला पोर्शन है उस पर भी फ्लो आता है और आईज वाला भी, क्योंकि अपन ने वर्टिकली करी थी ये, लेकिन ये मैं कर कैसे रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। ठीक है, उससे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है ये सेम चीज मैं राइट साइड वाली आई में किया, इससे क्या होगा जो नोज वाला पोर्शन है ये, इस पर भी कर्व आएगा। तुम क्या करो, हल्का सा कर्व करते करते बाहर ले जाओ और हल्का सा कर्व करते करते अंदर लाओ। ठीक है, फिर इस तरीके से हल्का सा कर्व करते करते लेफ्ट साइड में बाहर ले गए और हल्का सा कर्व करते करते अंदर लाए, तो देखो बीच में एक छोटी सी लाइन देखो अगर, तो हाईलाइट मेरा अभी से आ गया, तो इस ये अच्छा तरीका रहता है। नोज वाला जो एरिया है एक काम करो, सबसे बेस्ट रहता है उस पर ऐसे सर्कुलर चला लो। ठीक है, सर्कुलर, क्योंकि अपन को ये फिल करना ही था, हो गया। जो आईज के नीचे वाला पोर्शन है ऐसे अपवर्ड फेसिंग कर्व से करो और हल्का हल्का नीचे लाओ। ठीक है, चीक्स वाले पोर्शन में हल्का सा, मैंने क्या बोला, जो अपने बॉर्डर्स हैं जैसे ये है, इसके पास क्या करो, ऐसे हल्का सा छोटे छोटे सर्कल्स में ब्लेंड करो, सर्कुलर ब्लेंडिंग करो, ऐसे ब्रश सर्कल्स में चलाओ पूरा ऊपर से नीचे, तो क्या रहता है बॉर्डर्स अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है, ऐसा नहीं लगता कि तुमने यहाँ पे शेडिंग करना छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आया हो डार्क टू लाइट। सेम चीज यहाँ करूंगा मैं, नीचे किया मैंने कर्व करता गया, यहाँ पे भी गया था, मैं क्या करूंगा इसके बॉर्डर्स पे ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाया, ओके, तो ये अपने चीक्स भी ब्लेंड हो गए। ये वाला जो डार्क एरिया है इसे जरा अच्छे तरीके से करो, इस पर मैंने थोड़ा ज्यादा डार्क तरीके से चलाई थी पेंसिल, इस पर थोड़े प्रेशर के साथ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक लाइन बना दोगे तुम कि यहाँ पे है, हल्का से हमसे मैंने ब्लेंड किया। ठीक है, इसको थोड़े से और आगे लाया, ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में मैं ब्रश चलाऊंगा ताकि ऐसा ना लगे कि ये डार्क टू लाइट एकदम से लाइन में आ गई, डार्क टू लाइट धीरे से आ रहा है, तभी तो वो अपन को थोड़ा उठा हुआ सा इफेक्ट दिखेगा। सेम चीज ऑन स्पॉट यहाँ कर लो ताकि याद रहे। ठीक है, नीचे चिन वाले पोर्शन में भी अच्छी खासी डेप्थ थी, ये फ्लो में जो आ रहा है वो करता गया मैं। इसको तुम अगर जब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने सिर्फ लिप्स और नोज के बीच में जो एरिया वो बसता है, तो हल्का हल्का जैसे अपन ने शेड किया था वैसे ही से ब्लेंड कर दो। ठीक है, एक हल्के से ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर में, हॉरिजॉन्टल वे में भी चलाओ
थोड़ा लिप्स के नीचे आता है। अब मैंने क्या बोला, जहाँ हाईलाइट छोड़े हैं उसकी बॉर्डर के आसपास इस तरीके से सर्कुलर चलाओ ब्रश। ये हुआ आराम से, यहाँ पे भी अपन ने छोड़ा था, थोड़ा इसके सराउंडिंग में भी चला लो। ओके अब देखो, हो सकता है मैंने जल्दी कर दिया, तुम जब कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगा, तो लगने तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं करते करते बहुत टाइम हो गया ये। तो मेरा हाथ उस जगह पे जैसे यहाँ छूटा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। जैसे मान लो तुम यहाँ पे कर्व करते हुए आ रहे हो, ठीक है, तुम्हें दिखता है यहाँ पे, तुम धीरे धीरे उसे करोगे, मुझे देखा, मैं तुरंत उसको फिल करा, आगे बढ़ गए। तो जितने ज्यादा पोर्ट्रेट्स बनाओगे उतना बेटर है, ओके, धीरे धीरे आ जाएगा। स्टार्टिंग में एक एक चीज पर फोकस करो कि सारी जगह स्मूथ शेडिंग हो, स्मूथ ब्लेंडिंग हो। चेहरे और नेक में डिफरेंस देख सकते हैं, पहले भी अपना चेहरा भी ऐसी दिख रहा था, गोदा हुआ सा, ओके, अब स्मूथ दिख रहा है। नेक वाले पोर्शन में आते, ये भी साथ साथ ही बता दे रहा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नेक वाले पोर्शन में आराम आराम से यहाँ शेड करो। देखो तुम्हें अब नेक में फ्लो में जाना है, जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा, ये इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, ये शोल्डर ऐसे स्मूथ है, जैसे तुम शोल्डर जब करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे करो, ठीक है, जो अपना हाइलाइटर्स की बॉर्डर्स पे करो अच्छे तरीके से। इफ यू वांट, देखो जैसे ये एरिया है बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बड़ा है कंपेयर टू फेस वगैरह, कॉटन लो। तो मैं अगर जल्दी कर, मैं दोनों ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ, ठीक है, कॉटन लो आराम आराम से कर दो, क्योंकि अपन को स्मूथ चाहिए और जल्दी भी चाहिए। ये लो, यही सेम चीज अगर फिर मैं ब्रश से इस साइड करूं, तो ब्रश से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश क्या है, जैसे मान लो मुझे ये वाला एरिया देख रहा हूँ, ये वाला मुझे सिर्फ ये डार्क दे रहा, कॉटन से क्या होता है वो पूरा एरिया करने लगता हूँ, ब्रश से मैंने पर्टिकुलरली ये एरिया पहले ब्लेंड किया और इसे डार्क कर लिया, ठीक है, ये है इसमें। अब मैं कॉटन लूँ, अगर ये बढ़िया तरीका है, जैसे इसकी बॉर्डर्स वगैरह भी हैं, बॉर्डर को अगर मैं लेके सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर जो एरिया मुझे डार्क दिख रहा है, मैंने सिर्फ वो ब्लेंड किया, मैं ब्रश चला रहा हूँ और मेरे ब्रश में थोड़ा सा ग्रेफाइट एक्स्ट्रा है अभी, तो ये जितना होना चाहिए उससे ज्यादा डार्क हो गया थोड़ा सा। मैं कॉटन लूंगा, आराम आराम से ब्लेंड किया सराउंडिंग पोर्शन भी, सो यू कैन सी थोड़ा सा ये डार्क बच जाता है, तो ये सही रहता है, अपन अगली लेयर में से और डार्क कर लेंगे। तो कॉटन से करने का एक और बढ़िया तरीका है, कॉटन और ब्रश को दोनों मिला के, ठीक है, उससे क्या होता है अपन को जहाँ डेप्थ चाहिए होती है वो भी आ जाती है, जहाँ हाईलाइट छोड़ने पे वो भी हो जाता है आसानी से। अब जैसे ये नीचे नीचे डेप्थ आ रहा है चिन के नीचे वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा टेल फॉर्म में छोड़ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज ब्रश को थोड़ा इसी तरीके से टेल फॉर्म में छोड़ो, क्या होगा रिपीटेटिव मोशन से वो उस जगह डार्क हो जाएगा। नेक के नीचे वाला पोर्शन किया, चिन के नीचे, यहाँ पे ये जो कर्व्स दिख रहे हैं ये डार्क पोर्शन पूरा, इस तरीके से अच्छे तरीके से ब्लेंड करूं, थोड़ा प्रेशर के साथ करना ताकि जो ब्रश का ग्रेफाइट है वो इस पे आ जाए। बाकी एरिया सॉफ्टली करो, हाईलाइट के पास आराम आराम से सर्कुलर चला लो और ये ब्लेंड हो गया। बस था ये वाला पोर्शन, तो इसमें फ्लो देख नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हाईलाइट के पास आराम आराम से इसे सर्कुलर चलाओ, ये हाईलाइट है, इसके आसपास आराम से सर्कुलर चलाया मैंने, कॉलर बोन वाला पोर्शन आता है, ठीक है, यहाँ हाईलाइट के पीछे अगर इफ यू वांट कि कॉटन से करना है, तो कॉटन क्या करो, थोड़ा इस तरीके से छोटा सा पीस लो, ये बनाओ और धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे तरीके से यहाँ आराम आराम से करो हाईलाइट के पास। प्रेशर नहीं लगाना, वो नस मजे जा सकते हैं, बहुत आराम आराम से। अब ये बड़ा एरिया आता है, इसमें भी आराम आराम से कॉटन कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। देखो कॉटन से भी बताया मैंने, ब्रश से भी बताया, पूरा ब्रश से भी कर सकते हो, पूरा कॉटन से भी। कॉटन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़े छोटे पीसेस में करो, ओके, ब्रश को क्या है, ब्रश को तुम कंटिन्यूअसली एक जगह चलाते रहो, ठीक है, जब तक वो स्मूथ ना हो जाए, थोड़ा अलग डायरेक्शन लो, थोड़ी अलग अप्रोच लो, लेकिन उसे स्मूथ करो,
ठीक है, और जहां तक हो सके लास्ट में उस डायरेक्ट मोशन में चलाओ जिस मोशन में है। जैसे ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है तो अपन भी कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अपना थोड़ा ब्लेंडेड लग रहा है, ठीक है, अब बेटर लग रहा है, फर्स्ट ईयर ये कंप्लीट हो जाती है अपनी। तो इतना करूँ,